हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त, और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल डेटा ट्यूशन। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग क्लास 9 का लेसन 8 हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियम ऑफ फ्लैटी का डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, हम लोग चैप्टर को रीड करें उससे पहले चलिए हम लोग ऑथर के बारे में जान लेते हैं। तो लियम ऑफ फ्लैटी का जन्म 28 अगस्त 1896 में हुआ था और इनका डेथ 7 सितंबर 1984 में हुआ था। दोस्तों, ये एक आयरलैंड के निवासी थे, नॉवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, यानी एक उपन्यासकार भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी छोटी छोटी कहानियाँ लिखा करते थे जिसमें ही वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया करते थे। दोस्तों, इनकी कुछ फेमस बुक्स है जैसे कि द इन्फॉर्मर, रिटर्न ऑफ द ब्रूट, हाउस ऑफ गोल्ड। तो आप ये सब ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में सब हो सके एक मार्क्स का आए और पूछ ले आपसे, तो आप याद कर लीजिएगा फेमस बुक्स के बारे में। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं ताकि हम लोग को स्टोरी समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो। तो जब हम लोग पहली बार कोई नई चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं तो हम लोग उस पर नर्वसनेस फील करने लगते हैं, पर जैसे ही हम लोग उस एक्सपीरियंस को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम लोग का नर्वसनेस फिनिश हो जाता है। तो सेम यहाँ पे भी इस स्टोरी में हम लोग को ये चीज़ देखने को मिलेगा एक बर्ड के थ्रू, जो कि एक सीगल है और वह अपनी पहली उड़ान की एक्सपीरियंस करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चैप्टर को रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। दोस्तों, सीगल एक बर्ड का स्पीसीज है जो कि समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, और यंग सीगल मतलब एक छोटा सीगल रहता है जो कि अपने लेज में अकेला रहता है। लेज का मतलब होता है दोस्तों एक पहाड़ जिससे एक रॉक जो कि फ्लैट सरफेस का रहता है वो सटा हुआ रहता है उससे, और बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, उसे हम लोग लेज कहते हैं। जैसा कि दोस्तों आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे लेज का इमेज, तो चलिए अब जानते हैं वो सीगल अकेला क्यों था उस लेज में। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। दोस्तों, डे बिफोर का मतलब होता है एक दिन पहले, और उस यंग सीगल के जो दो भाई थे और एक बहन थी वो उसे छोड़कर एक दिन पहले ही उड़ गए थे। He had been afraid to fly with them। और वो देखिए, यंग सीगल अकेला क्यों था अपने घर लेज में, क्योंकि उसे अपने भाई बहन के साथ उड़ने में डर लग रहा था जिसके कारण वो उड़ नहीं पाया और वो अकेला वहीं पर रह गया। When he had run forward to the brink of the ledge, he became afraid। और जैसे ही वो यंग सीगल दौड़ता हुआ उस लेज के अंत में पहुंचता है, यानी एज आखिरी छोर में पहुंचता है, वो देखकर डर जाता है और वापस पीछे चलाता है। और वो क्या देख के डर जाता है दोस्तों, तो देखिए अब हम लोग को पता चलेगा। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेच डाउन बेनेथ। उस लेज के नीचे एक समुद्र था जो कि बहुत ही विशाल था, बहुत दूर तक फैला हुआ था और गहरा था। एंड इट वॉज माइल्स डाउन। और वो समुद्र उस लेज से कुछ माइल्स नीचे था। कि जब वो अपने उस लेज के एज में पहुंचता है, अंत में पहुंचता है, तो वो ये सब चीज़ों को देखकर डर जाता है और उड़ नहीं पाता है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। और वो सोचने लगता है तुरंत कि उसकी विंग्स जो है उसकी सहायता नहीं करेंगे, उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका मदद नहीं करेंगे उड़ने में, और अगर वो उड़ेगा तो गिर जाएगा। सो ही बेंट हिज हेड एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। और वो अपना सर झुका लेता है उदासी से और वापस पीछे की ओर दौड़ जाता है उस छोटे से होल में जहाँ पर वो अपना रात गुजारा था और जहाँ पर वो रात में सोया करता था, यानी जहाँ पे उसका घोंसला था। हिज फादर एंड मदर हैड केम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली। दोस्तों, श्रीली का मतलब होता है तेज आवाज़ लगाना। तो उस यंग सीगल के माता पिता उस यंग सीगल के पास आते हैं और उसे तेज़ आवाज़ लगा के उसे हौसला देने की कोशिश करते हैं, उसका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं ताकि वो अपने पंख पर भरोसा करें और उड़ने की कोशिश करें। दोस्तों, जैसा कि आपने अगर इसे रियल लाइफ से अगर आप जोड़ते हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर आप किसी मुसीबत में रहते हैं, आपके माता पिता यानी आपके जो मदर फादर है वो आपको बताते हैं, फिर भी आप इतने डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है आप क्या करें और उनकी बातों को नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर सेम यही होता है। इसकी ये फर्स्ट फ्लाइट थी जिसको उड़ान भरने में ये बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, तो इसके माता पिता हौसला भी इसका बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर ये इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि उनकी बात को नहीं समझ पा रहा था। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। और ये इसके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग था क्योंकि एक पक्षी के लिए उड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पर ये उड़ नहीं पा रहा था क्योंकि इसे बहुत ही ज़्यादा
डर लग रहा था। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। डेट वॉज 24 आवर्स अगो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो जितनी भी सारी घटना थी वो 24 घंटे पहले की घटना थी। तो कौन सी घटना? जो यंग सीगल थे उसके माता पिता उसके उड़ान को लेकर जब उसे प्रोत्साहन देते हैं, उससे तेज़ आवाज़ लगाते ताकि उसका हौसला बढ़े और वो उड़े, तो वो सारी घटना 24 घंटे पहले की थी। सिंस देन नोबडी हैड केम नियर हिम, और उस समय से लेकर अभी तक उसके पास कोई नहीं आया। द डे बिफोर ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, और एक दिन पहले उस यंग सीगल ने देखा कि उसके पेरेंट्स जो है उसके भाई और बहन के साथ उड़ान भर रहे थे। दे वेयर टीचिंग देम द आर्ट ऑफ फ्लाइट। माता पिता जो उसके पेरेंट्स थे वो उसके भाई और बहन को उड़ने का तौर तरीका सिखा रहे थे कि किस तरीका से उड़ना चाहिए, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे मछलियों को पकड़ने के लिए गोता लगाना चाहिए। सीगल्स है वो समुद्र में गोता लगाते हैं ताकि वो मछलियों को पकड़ सके और खा सके। ही हैड सीन हिज एल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हरिंग, और उस यंग सीगल ने देखा कि उसका बड़ा भाई पहला बार फर्स्ट टाइम एक समुद्री मछली को पकड़ता है, जो कि है हेरिंग, जो कि एक समुद्री फिश का स्पीसीज है। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड प्राउडली, और जब उसके पेरेंट्स ने देखा कि उस यंग सीगल के एल्डर ब्रदर ने उस खुद से अपनी से एक मछली को पकड़ा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करने लगे उस एल्डर सीगल पे, और वो उसके चारों ओर खुशी से चक्कर काटने लगे और अपनी खुशी को जताने लगे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, और सन अब धीरे धीरे आकाश में चढ़ने लगा था, यानी कि सन उगने लगा था। ब्लेजिंग वार्मली ऑन हिज लेज डैट फेस द साउथ, और वो लेज जिसमें यंग सीगल था वो साउथ डायरेक्शन की ओर फेस किया हुआ था, चेहरा किया हुआ था, यानी उस ओर मुड़ा हुआ था, और सूरज की रोशनी से वो चमकने लगा था लेज, और धीरे धीरे गर्म होना चालू हो गया था। ही फेल द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और जैसा कि हम लोग जानते हैं उसके माता पिता उस यंग सीगल के उसे 24 घंटा पहले ही अकेला छोड़ के चले गए थे, तो जैसे जैसे दिन निकलने गया वो हीट को महसूस करने लगा, और अचानक से उसे ये महसूस होता है कि उसने पिछले रात से कुछ भी नहीं खाया है। नाउ देयर वॉज नॉट ए सिंगल स्क्रैप ऑफ फूड लेफ्ट इन द स्ट्रॉ नेस्ट, और उसके घोंसले में जो कि बिचाली और छोटे छोटे तिनके से बना हुआ था उसमें कोई भी फूड का अंश नहीं था, यानी बिल्कुल भी खाना नहीं बचा था। हिज लिटिल ग्रे बॉडी ट्रॉटेड बैक एंड फोर्थ ऑन द लेज, और लिटिल ग्रे बॉडी दोस्तों उस सीगल को कहा गया है, तो उसका जो छोटा सा बॉडी था वो बार बार कभी पीछे की ओर जाता है, कभी आगे जाता है उस लेज में भूख से, यानी वो इधर उधर करने लगता है, क्योंकि ट्रॉटेड बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे होना। ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड सम मीन्स ऑफ रीचिंग हिज पेरेंट्स विदाउट हैविंग टू फ्लाई, और वो यंग सीगल चाहता था कि वो किसी तरीका से अपने पेरेंट्स अपने मदर फादर के पास पहुंच जाए, वो भी बिना उड़े। बट ऑन ईस्ट साइड ऑफ हिम द लेज इंडीड इन अ शेयर फॉल, और उस यंग सीगल के चारों ओर से वो लेज एक खड़े ढलान के साथ ख़त्म होता है। विद द सी बिनेथ, जो कि एकदम समुद्र के नीचे पहुंचा देगा अगर वो उस लेज से गिरता है तो। He could surely reach them without flying if he could only move northward along the cliff. और वो यंग सीगल जरूर अपने माता पिता पास मदर फादर पास पहुंच सकता था बिना उड़े अगर वो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर उस क्लिफ यानी उस पहाड़ उस चट्टान की ओर आगे बढ़ता रहे तो। But then on what could he walk? पर वो कैसे उतना चल के जा पाएगा? There was no ledge, क्योंकि आगे कोई ledge ही नहीं था। And he was not a fly, और उसे उड़ना भी नहीं था। यानी कहने का यही मतलब है दोस्तों कि वो northward direction में अगर जाता है तो वो बिना उड़े अपने मदर फादर पास पहुंच जाएगा, पर आगे कोई लेज नहीं था कि वो आगे जाए और अपने मदर फादर के पास पहुंच जाए, और उसे उड़ना भी नहीं था। तो चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। दोस्तों यहाँ पे यंग सीगल थोड़ा चालाकी करता है, थोड़ा ऐसा दिखाने की कोशिश करता है ताकि उसके माता पिता का ध्यान उस पर आए, तो वो क्या करता है धीरे धीरे आगे की ओर चलता हुआ उस लेज के आखिर छोर पे पहुँच जाता है, यानी लेज के एज में पहुँच जाता है।
He stood on one leg with the other leg hidden under his wing. और वो क्या करता है, अपने एक लेग को अपने विंग के अंदर ढक लेता ऊपर करके और एक लेग पे खड़ा रहता है। जैसा कि आपने अपने आस पड़ोस में पक्षियों को देखा होगा कि वो अपने एक पैर पे खड़े रहते हैं और एक पैर को अपने विंग से ढक लेते हैं, सेम वो यंग सीगल भी यहाँ पे करता है। क्लोजिंग वन आई एंड देन द अदर, और क्या करता है, पहले अपना एक आँख बंद करता है, उसके बाद अपना दूसरा आँख भी बंद कर लेता है। He pretended to be falling asleep, और वो ऐसा नाटक करता है कि वो वहाँ पे सो रहा है ताकि उसके माता पिता का ध्यान उस पे जाए कि अरे ये तो सो रहा है, इसे उड़ना भी नहीं आता, ये कहीं गिर ना जाए, ताकि उसके माता पिता ये सब देखे तो उसकी तरफ गौर करें। Still his parents took no notice of him, फिर भी उसके जो पेरेंट्स रहते हैं वो उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau. अब इस लाइन में वो यंग सीगल अपने दो भाई और एक बहन को देखते हैं कि किस तरह वो तीनों एक प्लेट्यू, जिसे हिंदी में हम लोग पठार कहते हैं, उसमें आराम से बैठे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इस लाइन में हम लोग को पता चलेगा कि उस यंग सीगल के ब्रदर्स और सिस्टर क्या कर रहे थे उस प्लेट्यू में पड़े। तो दे वेयर डोजिंग, वो तीनों नींद ले रहे थे, झपकी मार रहे थे। With their heads sunk into their wings, उन सभी ने अपने सर को अपने विंग से ढक लिया और नींद ले रहे थे। His father was pinning his feathers on his white back, और इसके फादर जो थे उस यंग सीगल के, वो क्या कर रहे थे, अपने वाइट बैक यानी अपने पीठ जिसे कहा जाता है, उस पर अपने चोंच से वहाँ के जितने भी पंख है उसे साफ कर रहे थे, उसे स्मूद कर रहे थे, यानी एक लेवल में कर रहे थे, जो अच्छे पंख है उसे हटा दे रहे थे और बाकी सारे पंख को ठीक कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ और सिर्फ उस यंग सीगल की मम्मी ही उसकी ओर देख रही थी जब वो लेज के आखिर छोर में था। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, और उस यंग सीगल की जो मदर थी वो प्लेट्यू के थोड़े से ऊपर के हिस्से यानी ऊपर के एरिया में जाकर खड़ी थी। ईटिंग अ पीस ऑफ फिश, और उसकी मम्मी उस प्लेट्यू के हम्प में खड़ी होकर एक मछली का टुकड़ा खा रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और जब उस यंग सीगल ने देखा कि उसकी मदर फीस का टुकड़ा खा रही है तो वो उस साइट को यानी उस दृश्य को देखकर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो भूखा रहता है, उसे भी खाना का ज़रूरत रहता है पर उसे नहीं मिलता है और वो सिर्फ देखता रह जाता है। तो दोस्तों चलिए अब इस पैरा के हार्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। तो देखिए, प्रिटेंडेड था तो उसका मतलब होता है नाटक, फॉलिंग एस्लिप का मतलब होता है सो जाना, प्लेट्यू का मतलब होता है पठार, डोजिंग का मतलब होता है नींद लेना, झपकी लेना, प्रीनिंग का मतलब होता है ठीक करना, स्मूदिंग करना, हम का मतलब होता है कोई ऊपरी हिस्सा या फिर ऊपर सा एरिया जिसपे खड़ा हो सके, और मैंडेड का मतलब होता है गुस्से में आना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग इस चैप्टर को रीड करते हैं क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे क्योंकि ज़्यादा बचा हुआ नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, और चैनल पे नए आए हैं तो आपसे अभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से हमारी जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले आती रहेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या हमारे पास्ट की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, स्टे ट्यून, स्टडी हार्ड, जय हिंद, वंदे मातरम।